जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर एक शानदार वीडियो के साथ। इस टाइम हमारे देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया है। आखिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसका सबसे ज्यादा विरोध मुसलमान क्यों कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, हमारे देश के अंदर इस टाइम दो लॉ है, एक है क्रिमिनल लॉ और एक है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो है वो सभी धर्मों के लिए समान है यानी कॉमन है। अगर कोई भी धर्म का शख्स मर्डर करता है, चोरी करता है या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो कानून ये कहता है कि सभी को बराबर की सजा दी जाएगी। वहीं सिविल लॉ में आता है मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इस तरीके की चीजें आती हैं। पर सिविल लॉ सभी धर्मों के लिए समान नहीं है यानी कॉमन नहीं है, सभी धर्म के अलग अलग लॉ है। अगर हिंदू लॉ की बात करें तो उनके तलाक देने का अलग तरीका है, शादी करने का अलग तरीका है। वहीं मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के लिए अलग शादी करने का तरीका है, उनका निकाह होता है, तलाक का अलग तरीका है। जैसे कि अगर हिंदू की बात करें तो कानून ये कहता है कि 18 साल से कम हिंदू लड़की शादी नहीं कर सकती, पर मुसलमानों का कानून ये कहता है कि 15 साल तक की लड़की शादी कर सकती है, यानी अगर 15 साल की हो गई है तो मुसलमान लड़की शादी कर सकती है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होगी। अगर हिंदू लड़की 18 से कम की शादी करेगी तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो जो सिविल कोड है, जो सिविल लॉ है हमारे देश के अंदर, वो सभी धर्मों के लिए कॉमन हो जाएगा यानी एक तरीके से समान हो जाएगा, सबके लिए बराबर हो जाएगा। यानी एक कानून के अंदर एक ऐसी चीज ला दी जाएगी कि अगर शादी की जाएगी चाहे किसी भी धर्म के लोग हो तो वो एक तरीके से शादी करेंगे, अगर डाइवोर्स देनी हो तो सारे धर्म के लोग एक तरीके के डाइवोर्स देंगे, प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटने के तरीका हो तो सभी लोग हिस्सा एक तरीके का बांटेंगे, यानी सारे धर्मों को समान माना जाएगा, कॉमन माना जाएगा। और मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं वो आप समझ ही गए होंगे। मुसलमानों का शादी का करने का तरीका अलग है, डाइवोर्स देने का तरीका अलग है, प्रॉपर्टी में हिस्सा किस तरीके से दिया जाता है उसका तरीका अलग है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा, यानी सिविल लॉ जब लागू हो जाएगा सभी के लिए, सिविल लॉ बराबर हो जाएगा, तो मुसलमानों किस तरीके से शादी करेंगे, डाइवोर्स देंगे, प्रॉपर्टी का हिस्सा किस तरीके से करेंगे, वो सभी के लिए बराबर जो होगा, जो सभी लोग करेंगे वो भी मुसलमान करेंगे। इसीलिए मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूसीसी को हम नहीं मानेंगे, अगर सरकार इस तरीके का कानून लेकर आती है तो हम कानून को तोड़ेंगे। तो मतलब आसान भाषा में मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बता दिया। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अब ये बताइए, क्या सरकार को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्या है आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।